आरा शहर के दो वार्डों में निगम के द्वारा निर्माण कराए गए पुरुष और महिलाओं के लिए बनाए गए फ्री यूरिनल का उद्घाटन महापौर इंदु देवी व उप मेयर पूनम देवी ने संयुक्त रूप से फीता काटकर किया। आरा शहर के वार्ड नंबर 19 व वार्ड नंबर 40 पार्षद गुड्डू पासवान के साथ नगर आयुक्त नीरोज कुमार भगत मौजूद थे। मेयर ने कहा कि शौचालय निर्माण होने से कॉलेजों में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं के साथ गाँव से आने वाली महिलाओं के अलावा बाजार आए लोगों को लाभ मिलेगा। शहर में प्रतिदिन हजारों लोग बाजार करने आते हैं, लेकिन यूरिनल नहीं होने के कारण काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। खासकर महिलाओं के लिए काफ़ी परेशानी होती थी। शौचालय का निर्माण होने से बाजार करने आने वाले लोगों के अलावा स्थानीय दुकानदारों को भी इसका लाभ मिलेगा। इंदु देवी ने कहा कि बाकी अधूरे रह गए आरा शहर कई शौचालय व यूरिनल का उद्घाटन दुर्गा पूजा से पहले करा दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि स्वच्छता भारत मिशन के सपने को साकार करने के लिए निगम प्रशासन की ओर से चलाए जा रहे अभियान के तहत अत्याधुनिक शौचालयों का निर्माण किया जाएगा। आरा शहर के सभी वार्डों में नव निर्मित सार्वजनिक शौचालय पूरी तरह से हाईटेक होंगे। शौचालय लोग शौचालय में सेंसर बेस्ड यूरिनल सिस्टम लगाया गया है। शौचालय 24 घंटे सातों दिन खुला रहेगा। निगम के द्वारा 45 हाईटेक शौचालय प्रस्तावित हैं, जिनमें से दो बन चुके हैं, तीन निर्माणाधीन है। उप मेयर पूनम देवी ने बताया कि जमीन की उपलब्धता न होने की वजह से जहां हाईटेक शौचालय निगम नहीं बनवा पा रहा है, वहां सेमी डिलक्स शौचालयों का निर्माण कराया जाएगा। इस दौरान उन्होंने निगम की स्वच्छता की मुहिम से शहरवासियों से सहयोग की अपील की। नगर आयुक्त नीरोज कुमार भगत ने बताया कि आरा शहर में हर वार्डों में यूरिनल की व्यवस्था कराई गई है, जिसमें एक यूरिनल की लागत करीब 4 से 5 लाख की लागत बनाई गई है। इस मौके पर उप नगर आयुक्त उपेंद्र कुमार सिन्हा, सिटी मैनेजर ओम प्रकाश, दीपक कुमार के साथ सुमित कुमार आदि। आज आरा नगरवासियों के लिए जो फ्री यूरिनल की सुविधा है उसको चालू कर दिया गया, क्या कहना चाहिएगा? सबसे पहले मैं आरा की सारी जनता को प्रणाम करती हूँ, और मैंने चुनाव से पहले जो संकल्प लिया था कि मैं अगर मेयर बनती हूँ तो आरा शहर को मैं फ्री यूरिनल दूंगी, और वो आधा मैंने पूरा किया। खासकर हम देखते थे महिलाओं को जो दिक्कतें सहने पड़ती थी, अब वो दिक्कतें महिलाओं को नहीं होगी और वो आकर यहाँ पर आराम से शौच कर सकती है। महिला पुरुष दोनों के लिए अलग अलग बनाया? जी हाँ, महिला देखरेख के लिए क्या कुछ होगा निगम की तरफ से? हाँ, निगम की तरफ से जिस वार्ड में ये बना हुआ है उस वार्ड का जमींदार लोग इसकी सर सफाई की व्यवस्था रखेंगे। वो सुबह और शाम दो टाइम इसकी सफाई होगी और उन्हीं लोग के देखरेख में ये रहेगा। आज पहले तो मैं आरा की जनता को सभी को प्रणाम करती हूँ, और ये जो बना है शौचालय महिला और पुरुष के लिए, जो हमने संकल्प लिया था वो संकल्प को हम लोग आस्ते आस्ते पूरा कर रहे हैं और पूरा करेंगे, और इनसे जनता के लिए सुविधा के लिए ये सुविधा उनके लिए है और उनको हम लोग पूरा करेंगे। उन लोग के उंगले के लिए भी होगा। आज जो फ्री यूरिनल है उसका उद्घाटन किया गया है, आप यहाँ पर मौजूद है, इसका फायदा होगा सर इस तरीके से यूरिनल चालू हो जाना सर साफ सफाई को लेकर? देखिए, ये आरा नगर निगम में इसकी काफ़ी समय से चल रही थी, कहीं भी यूरिनल नहीं थे, जिससे कि ज़्यादातर महिलाओं को तो काफ़ी परेशानी हो रही थी। तो बोर्ड में निर्णय लिया गया था कि हम लोग 24 से यूरिनल पूरे शहर में हम देंगे, जहाँ जहाँ भी हमको जगह ये हुआ। ये एक ड्रीम प्रोजेक्ट था हम लोगों का, आप देख सकते हैं जो बनावट हुई है, इसमें कोई
ठेकेदारी जैसा आपको लगेगा नहीं, इसमें बहुत अच्छे टाइल्स का या यूरिनल का या वेस्टिन का उपयोग किया गया है, आप देख सकते हैं। आज दो रहे हैं, लेकिन लगभग हमारे पास अभी 8 से 10 बन के रेडी हैं जो कि चालू हो जाएंगे धीरे धीरे। दो हाँ, त्यौहार दशहरा के पहले हमारा लक्ष्य है कि सभी यूरिनल को हम चालू करके जनता को समर्पित कर दें, ताकि जो जो त्यौहार आने वाला है अभी हम लोगों का दशहरा या दीपावली, रख रखाव की क्योंकि इससे पहले चलन शौचालय आया था वो फेल कर गया था, तो वो ना हो इसके लिए क्या किया जाएगा? नहीं नहीं, इसके लिए हम लोग डेडिकेटेड एक स्वास्थ्य स्वच्छता कर्मी है उनकी नियुक्ति कर दी जाएगी, उन्हीं का दायित्व तो होगा कि वो आके ताला खोलें इसका और सुबह और शाम दोनों टाइम की सफाई करें। इसके लिए बजाबते हम लोग का जो फेनाइल या एसिड वगैरह की जरूरत होगी वो हम सब निगम से पूर्ति करेंगे, और मेरा पूरा प्रयास होगा कि इसको स्वच्छ रखें, और जनता से भी आग्रह करेंगे कि वो लोग भी अब आएँ तो कम से कम इसको स्वच्छ रूप में उपयोग करें और इसका दुरुपयोग नहीं करें कोई। आज यूरिनल के यहाँ उद्घाटन किया गया है, क्या कहेंगे इस यूरिनल के बारे में? आर नगर निगम के मेयर डिप्टी मेयर नगर शहर में 24 यूरिनल का नींव रखा गया है, लेकिन ये पहला यूरिनल है जो आरा शहर के वासियों को सौगात मिला है, और इससे जो आम जन है जाते हैं आते हैं बाथरूम, या लेडीज हो या जेंट्स हो जो भी हो, तो वो लोग कहीं भी रोड के किनारे बैठ जाते हैं, और हमारी मेयर साहिबा के विकास के कार्यों को देखते हुए यूरिनल का ये उद्घाटन किया गया, इसलिए कि अब जितना भी जो लोग जो वासी है या इधर उधर लोग जाते हैं, चाहे माताएं हो बहनों हो, अब यूरिनल का इस्तेमाल होगा। ये एक अच्छा पहल है, काफी ये तो समय काफी बहुत, अभी बगल में छठ पूजा भी होती है उसमें ये बहुत कारगर रहेगा, और हमारे जो लोग जाते हैं पैदल आते हैं, यही आम रास्ता है 24 घंटा ये चलता है, तो हमको लग रहा है कि ये काफी सुविधा होगी उन लोगों के लिए। ठीक, नाम बता दीजिए अपना। राजीव कुमार, वार्ड पार्षद, वार्ड नंबर 40, सशक्त स्थायी कमिटी सदस्य।